आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ बॉय कॉल्ड क्रिसमस। ये एक फैंटेसी मूवी है और जैसा कि इस मूवी का टाइटल है, इसकी स्टोरी लाइन भी क्रिसमस के स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। कहानी की स्टार्टिंग में एक सजा हुआ टाउन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ लाइटनिंग की चकाचौंध होती है। सारी सजावट और ट्रीज को देखकर साफ समझ आता है आज क्रिसमस है और सब लोगों ने अपने घर बिल्कुल दिवाली की तरह से डेकोरेट करे होते हैं। इन सब के बीच एक घर ऐसा भी होता है जहाँ कोई भी लाइट्स और डेकोरेशन नहीं था। जिस घर में एक छोटे से परिवार को दिखाया जाता है उसमें एक पिता होते हैं जिनका नाम मैट होता है और उनके तीन बच्चे होते हैं जो उनसे काफ़ी नाराज होते हैं क्योंकि वो क्रिसमस के दिन भी काम पर जा रहे थे और बच्चों का मूड इस वजह से काफ़ी ख़राब होता है। मैट अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए एक आंट को बुलाते हैं जिनका नाम होता है आंट कार्लेटो। आंट कार्लेटो बच्चों को उदास होता देखकर सबको एक कहानी सुनाने का डिसाइड करती हैं। वो कहानी होती है एल्फ्स की, जो एक जादुई गांव है जहां बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें होती हैं। साथ ही यह कहानी क्रिसमस से पहले के समय की होती है, यानी तब किसी को भी क्रिसमस के बारे में नहीं पता था। सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक बर्फ से भरी जगह पर दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें एक पिता और उसका बेटा निकोलस होता है। निकोलस काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और क्लेवर बच्चा होता है। वो दोनों बर्फीले पहाड़ों पर लकड़ियां काटने आए होते हैं, तभी उनके सामने अचानक एक भालू आ जाता है जिससे बचने के लिए वो सारा सामान वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है निकोलस और उसके फादर दोनों काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होती है और हमें ये भी पता चलता है निकोलस ने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था, जिसके बाद से उसकी टेक केयर बस उसके फादर ही करते आए हैं। रात को निकोलस अपने फादर से कहता है कि आप मुझे कोई कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि उसकी मॉम भी उसे रात को कहानी सुनाकर सुलाया करती थी। तब उसके फादर उसे उसकी मॉम की ही एक कहानी सुनाते हैं। वो उसे बताते हैं कई सालों पहले उसकी मॉम, जिनका नाम ल्यूमी था, इस बर्फीले जंगल को पार करके ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचकर दो राक्षसों के बीच से निकलकर एल्फम नाम की एक खूबसूरत जगह पर पहुंची थी। इस जगह पर काफ़ी अलग अलग तरह के लोग थे जो हाइट में बहुत छोटे थे, पर वहाँ खाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और कैंडीज थी। और जब तुम्हारी मॉम यहाँ वापस आई तब उनके पास खाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और कैंडीज भी थीं, जिसको बांटकर उन्होंने सब जगह खुशियाँ फैला दी। इतना कहकर निकोलस के फादर बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ किसी जानवर की आहट महसूस होती है, इसलिए वो कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने जाते हैं। पर वो देखते हैं वो तो बस एक छोटा सा माउस है, लेकिन वो खाने की चीज़ों को ख़राब ना कर दे इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर हर बार वो बाल बाल बचे आता है। जिसके बाद निकोलस उनसे कहता है वो इस चूहे को छोड़ दें, वैसे भी खाने के लिए यहाँ है ही क्या, और उसके डेड चूहे को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं निकोलस ने उस चूहे से दोस्ती कर ली है और उसका नाम मीका रख दिया है। इतना ही नहीं, वो माउस उसे इतना प्यारा लगता है कि वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है। इस पर उसके डैड उसे समझाते हैं चूहे नहीं बोल सकते, जिसके बाद दोनों फादर एंड सन राजा के महल जाते हैं क्योंकि आज राजा ने गांव में रहने वाले हर एक इंसान को बुलाया होता है। राजा सबसे कहते हैं कि उन्होंने जीने का मकसद छोड़ दिया है और जो भी उनकी उम्मीद उन्हें वापस ला कर देगा या उनके जीने का मकसद उन्हें वापस ला कर देगा वो शख्स को माला माल कर देंगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब सबके पास एक अच्छा मौका होता है अमीर बनने का। अब जो कहानी निकोलस के डैड ने उसे सुनाई थी वो पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोगों को लग रहा था कि एल्फ्स का गाँव सचमुच है और ऐसी कोई जादुई जगह है जहाँ जाकर लोग राजा के लिए खुशियाँ, उम्मीद और जीने का मकसद ला सकते हैं और उसके बाद राजा उनको माला माल कर देगा और वो अमीर बन जाएंगे। गांव के कुछ लोग निकोलस के डैड से मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिससे वो एल्फम नामक गांव को ढूंढेंगे और राजा के दिए हुए इनाम से अमीर बन जाएंगे। अपनी माली हालत को देखते हुए निकोलस के डैड भी उन लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब वो ये बात निकोलस को बताते हैं तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। पर वो उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं 7 से 8 दिन में लौट आऊँगा और फिर हम सब एक साथ रहेंगे। साथ ही वो उसको बताते हैं कि मेरे वापस आने तक तुम्हारा ख्याल मेरी बहन रखेंगी, यानी उसकी बुआ।
अगले सीन में दिखाते हैं जब निकोलस की बुआ घर आती है तो वो उसके डैड के सामने तो निकोलस से काफ़ी अच्छे से बर्ताव करती हैं, मतलब वो उससे काफ़ी प्यार से बात करती हैं। लेकिन जब निकोलस के डैड चले जाते हैं तब वो उसे अपना असली रंग दिखाती हैं। वो निकोलस को डांटती हैं, चिल्लाती हैं, साथ ही उसे घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। वो उसका सामान लेकर उसे घर से बाहर भेज देती हैं। साथ ही वो निकोलस की सब्जी से बनी एक गुड़िया को भी बाहर फेंक देती हैं। दरअसल ये गुड़िया निकोलस की मॉम ने बनाई थी और उसके पास यही एकमात्र उनकी आखिरी निशानी भी थी। बाहर आने के बाद निकोलस अपने लिए एक टेंट लगाता है और सारी रात अपने दोस्त चूहे के साथ ही काटता है। अब दिखाते हैं काफ़ी दिन हो जाते हैं लेकिन निकोलस के डैड अभी तक वापस नहीं आए थे, जिस वजह से वह भी उनके वापस आने की उम्मीद छोड़ चुका था और उसको लग रहा था उसके डैड के साथ ज़रूर कोई अनहोनी हो गई होगी। अगले सीन में दिखाते हैं निकोलस की बुआ उससे थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और उसको खाने के लिए सूप भी देती हैं। निकोलस सूप पी ही रहा होता है तभी वो उसको बताती हैं ये सूप उनने उस गुड़िया का बनाया था जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ गई थी। ये देखकर निकोलस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी बुआ पर काफ़ी चिल्लाने लगता है, लेकिन था तो वो एक बच्चा ही, वो क्या कर सकता था। उसकी बुआ हंसने लगती हैं और उसकी टोपी भी आग में फेंक देती हैं। वो अपनी टोपी को जलता हुआ देखकर फौरन उसे उठा लेता है और बाहर लाकर भुजाने की कोशिश करने लगता है। निकोलस काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि ये टोपी उसकी माँ ने उसके लिए काफ़ी सालों पहले बनाई थी। टोपी को भुजाने के बाद वो देखता है इस टोपी के पीछे एक मैप है। ये कहीं और का नहीं बल्कि एल्फम जाने का ही मैप होता है, यानी कि निकोलस की माँ जो उसको स्टोरी सुनाती थी वो बिल्कुल सच्ची थी, एल्फम वाकई में था और ये टोपी के पीछे बना हुआ नक्शा इस बात का पुख्ता सबूत है। अब निकोलस ये फैसला कर लेता है कि वो भी इस गांव में जाएगा और अगले दिन वहां जाने के लिए निकल भी पड़ता है। चूहा भी उसके साथ जाने लगता है। अब दिखाते हैं पूरे एक दिन का सफर तय करने के बाद निकोलस एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो उसे बताती है तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, एल्फम नाम का कोई गाँव नहीं है और उसकी तलाश में ऐसे जगह जगह मत भटको, इसका कोई फायदा नहीं है। और वो उसे वापस उसके घर जाने के लिए कहती है, पर निकोलस उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ और दिन का सफ़र करने के बाद वो थक जाता है इसलिए आराम करने के लिए गुफा में रुकता है। वहाँ पर निकोलस आग जलाता है और प्रे करता है कि अगर जादू सच में है या एल्फम नाम का गांव सच में पाया जाता है तो मेरा चूहा बोलने लगे, और चमत्कारिक तरीके से जो चूहा उसके साथ होता है वो बोलने भी लगता है। ये देखकर निकोलस काफ़ी शौक हो जाता है, वो हैरान तो था ही लेकिन साथ ही काफ़ी खुश भी था। अब उसका जादू पर पक्का यकीन हो जाता है और उसे इस बात का भी पक्का यकीन हो जाता है कि एल्फम नाम का गांव सच में है। अब दिखाते हैं निकोलस अपने चूहे के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो चूहा निकोलस से इतनी बातें करता है कि उसे सफ़र में बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ही नहीं होता है। इसी बीच दिखाते हैं एक बार सिंह आकर निकोलस पर अटैक कर देता है। निकोलस उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन निकोलस जब ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है उस बारह सिंगा के एक तीर लगा हुआ है जिस वजह से वो काफ़ी गुस्से में है। निकोलस नीचे उतरता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, तभी हम देखते हैं कि वो उसका तीर भी बाहर निकाल देता है जिससे उस बारह सिंगा को काफ़ी आराम मिलता है और वो निकोलस से दोस्ती कर लेता है। अब निकोलस जब वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि वो हिरन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो उसको भी अपने साथ शामिल कर लेता है। अब दिखाते हैं निकोलस आगे का सफ़र उस हिरन पर बैठ के करता है और दो मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है जो असल में चट्टाने थी, और ये बात उसकी मॉम की कहानी में उसके डैड ने भी उसको बताई थी कि ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर दो राक्षसों के बीच से होकर एक रास्ता गया है और ये रास्ता कहीं और नहीं एल्फम नामक गाँव तक जाता है, और जिन दो राक्षसों का जिक्र हुआ है दरअसल वो कोई और नहीं यही दो चट्टाने हैं। अब वो तीनों आगे आते हैं लेकिन आगे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई गांव नहीं है और दूर दूर तक उनको केवल बर्फीली हवा और पहाड़ नजर आते हैं। ये देखकर निकोलस बेहोश हो जाता है क्योंकि इतने दिनों तक पैदल सफर करने के साथ साथ उसने कुछ खाया भी नहीं था जिस वजह से उसको चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी दिखाते हैं एक बूढ़ा आदमी और एक बच्ची निकोलस के पास आते हैं और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एल्फ थे। अब जब वो बूढ़ा आदमी निकोलस के पास जाता है तो उसको पता चलता है ये एक इंसान है और वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे समझाती है कि एल्फ्स का दिल अच्छा होता है
और वो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अब अपनी बच्ची की बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर मान जाते हैं और निकोलस के ऊपर एक जादू करते हैं, जिस वजह से निकोलस उठ खड़ा होता है और वो उन दोनों को बताता है कि वो अपने डैड को ढूंढने आया है। और उसने ये भी सुनाता है एल्फम नाम का एक गांव भी है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इस पर वो बूढ़ा आदमी निकोलस को बताता है कि अगर तुम अपनी आँख बंद करके विश्वास के साथ देखोगे तो तुम्हें दिख आएगा। दरअसल उस आदमी ने निकोलस के ऊपर यकीन का जादू करा होता है, मतलब वो जिस चीज़ के बारे में भी सोचेगा और उस पर यकीन करेगा कि वो वाकई में है, तो वो उसको अपनी आँखों के सामने दिखने लगेगी। मगर निकोलस को उस पूरी जगह पर बर्फ़ के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि तुम बस यकीन करो और विश्वास के साथ उस चीज़ के बारे में सोचो। तभी दिखाते हैं निकोलस यकीन करता है और अपने दिमाग में ही एल्फम गांव की एक इमेज बना लेता है। तब अचानक चमत्कारिक तरीके से उसे वो गांव सच में दिखने लगता है। अंदर आने के बाद वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची एक खुफिया रास्ते से उसको अंदर ले आते हैं। उसको एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहाँ सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सब लोग नाच गाना कर रहे थे, साथ ही खाने की काफ़ी सारे चीज़ें भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारी कैंडीज और मीठी चीज़ें ज़्यादा थी। दरअसल आज यहाँ क्रिसमस होता है, जिसका सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा होता है। अब चूहा तो उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेता है और खाने पीने की चीज़ों के साथ काफ़ी इंजॉय करने लगता है, लेकिन निकोलस पूरी तरह से अनजान था कि क्रिसमस क्या होता है। इसी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज था कि यहाँ पर किस चीज़ का सेलिब्रेशन चल रहा है। तभी वहाँ एल्फ की रानी आ जाती है और सारी चीज़ों को तबाह कर देती है। दरअसल उसने वहाँ के लोगों को पार्टी करने से और क्रिसमस मनाने से मना करा था, क्योंकि उनका एक साथी एल्फ्स किडनैप हो गया था और उसको लगता था इंसानों ने उसे धोखा दिया है और उसके साथी को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं, इसलिए वो इंसानों से काफ़ी चिढ़ती थी। अब दिखाते हैं निकोलस बाहर आ जाता है और रानी उसको देखकर काफ़ी भड़क जाती है, क्योंकि वो एक इंसान होता है। वो निकोलस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ आई क्यों हो, क्या एक और बच्चा चुराने आए हो। इस पर निकोलस उन्हें बताता है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ किसी को अगवा करने नहीं आया, बल्कि अपने डैड को ढूंढने आया हूँ, जो एल्फम नाम के गांव की तलाश में निकले थे और कई दिनों से घर नहीं आए। और वो उनसे कहता है कि आप फिक्र मत करिए, वो एल्फ बच्चा जिसे इंसान किडनैप करके ले गए हैं, वो उसको वापस जरूर लेकर आएगा। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको सजा देने के लिए उसे एक मीनार की चोटी पर कैद कर देती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक उड़ने वाली एल्फ से होती है, जो दरअसल एक एल्फ परी थी, जिसको पटाखे फोड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और उसके पास जादू था जिससे वो पटाखे फोड़ा करती थी, और एक और अच्छी बात कि वो हमेशा सच बोलती थी। अब निकोलस उसको बताता है कि उसकी मॉम भी यहाँ एल्फम आई थी, लेकिन उनके साथ तो लोगों ने काफ़ी अच्छे से बिहेव किया था और उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम भी करा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों करा गया है, इसका मुझे पता लगाना है और मुझे उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी यहाँ से निकलने के लिए। जिस पर वो परी मान जाती है और निकोलस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी दिखाते हैं वहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो पहले तो सो रहा था लेकिन इन दोनों की आवाज़ से अब जाग गया है। वो निकोलस को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब वो परी उसकी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुंह में एक बड़ा सा गुब्बारा डालती है, जो असल में एक पटाखा होता है, जिस वजह से उसका मुंह फट जाता है और वो दोनों उड़ते हुए काफ़ी दूर चले जाते हैं और एक घर की छत पर आकर गिरते हैं, जिसे रानी के गार्ड्स देख लेते हैं। तब उनसे बचने के लिए वो परी निकोलस को यहाँ से ले जाने लगती है। इसी भागम भाग के बीच निकोलस एक क्लासरूम के अंदर घुस जाता है, जहाँ की टीचर निकोलस को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो एक इंसान था, और वो रानी के गार्ड्स को बुलाने लगती हैं। लेकिन निकोलस उन्हें समझाता है कि वो जितना सोचती हैं इंसान उतने बुरे नहीं होते, और जो एल्फ बच्चा किडनैप हो गया है निकोलस उसे वापस लेकर आएगा और यहाँ के लोगों की मदद करेगा। यह सुनकर वो टीचर निकोलस को एक खुफिया रास्ते से बाहर भगा देती हैं। इतनी देर में ही निकोलस का वो हिरन दोस्त भी आ जाता है, जिस पर बैठकर निकोलस और वो एल्फम परी यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन रानी के गार्ड्स भी उनका पीछा कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो एल्फम परी काफ़ी सारे पटाखे फोड़ने लगती है, जिनसे उनका ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब वो देखती है कि बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, तब वो अंदर ही रुककर निकोलस को वहाँ से भगा देती है। अब दिखाते हैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद भी निकोलस को उस एल्फ बच्चे का पता नहीं चलता,
तब उसको याद आता है कि उसके पास तो उसका जादू है यकीन का, और जिस चीज़ के बारे में भी वो सोचेगा वो उसके सामने आ जाएगी। और वो गॉड से प्रे करने लगता है कि उसको बताएं वो बच्चा कहाँ पर है। तब उसे जंगल में गोल्डन कलर की रस्सी बंधी हुई दिखती है, और जब वो उसका पीछा करता है तो उसको एक पिंजड़ा दिखता है, और इस पिंजड़े में वही बच्चा होता है जिसकी तलाश में निकोलस निकला होता है, यानी कि एल्फ बच्चा जिसे इंसानों ने किडनैप कर लिया था। अब इससे पहले निकोलस उसे बाहर निकालता, तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिसमें निकोलस के डैड भी मौजूद थे। अब निकोलस अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उनसे गले मिलता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें इस एल्फ बच्चे को वापस अपने गाँव में छोड़ना होगा, लेकिन उसके डैड उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं, और वहाँ जितने भी लोग उसके डैड के साथ आए होते हैं वो भी उससे मना कर देते हैं। दरअसल उन सबका कहना ये होता है कि वो इस बच्चे को राया के पास लेकर जाएंगे, और क्या पता इस बच्चे को देखकर राया खुश हो जाए और उसे उसके जीने का मकसद मिल जाए, फिर वो सबको माला माल कर देगा और सबके पास ढेर सारा पैसा भी होगा। अब दिखाते हैं निकोलस उनकी बात नहीं मानता है और उस बच्चे को वहाँ से ले आने के लिए जिद करने लगता है, जिस पर वो लोग उसको एक पेड़ से बांध देते हैं, और उसको और कोई नहीं उसके डैड ही बांध रहे होते हैं। इसी दौरान चूहा भी उनसे बात करता है और निकोलस को पेड़ से बांधने से मना करता है। अब निकोलस के डैड काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये चूहा आखिर बोल कैसे रहा है। अब सबके सो जाने के बाद निकोलस के डैड उसके पास आते हैं और उसको खोल देते हैं, साथ ही वो उस एल्फ बच्चे को भी आज़ाद कर देते हैं और उसको बताते हैं कि सबके सामने वो निकोलस की मदद नहीं कर सकते थे। अब निकोलस अपने साथी हिरन पर बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। उसके डैड भी उसके साथ होते हैं, लेकिन उसके हिरन के पीछे एक बग्घी बंधी हुई थी जिस पर उसके डैड बैठे थे, जिस वजह से वो हिरन काफ़ी तेज़ी से नहीं भाग पा रहा था और वो सब लोग उसे आसानी से पकड़ सकते थे। तभी निकोलस को याद आता है कि उस पर तो यकीन का जादू करा हुआ है, और वो हिरन को टच करता है और यकीन करने लगता है कि ये उड़ सकता है, और तभी दिखाते हैं कि हिरन हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसके उड़ने की वजह से वो बग्घी टूट जाती है और उसके डैड खाई में गिर जाते हैं, जिसे देखकर निकोलस को काफ़ी दुख होता है। अब दिखाते हैं निकोलस अपने साथी दोस्तों के साथ एल्फम नाम के गाँव में दोबारा पहुँच जाता है और उस अगवाए हुए एल्फ बच्चे को वापस कर देता है। निकोलस ने अपना वादा पूरा कर दिया था उस बच्चे को वापस यहाँ लाने का। यह देखकर एल्फम के सारे लोग निकोलस से बहुत खुश हो जाते हैं, और उस एल्फ बच्चे का डैड निकोलस को बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स देता है, जिससे उसे काफ़ी खुशी होती है। तभी निकोलस को ये सारी चीज़ें देख के, मतलब वो खिलौने चॉकलेट्स और कैंडीज देखकर एक ख्याल आता है, क्यों ना वो भी इसी तरह से सारे बच्चों में गिफ्ट्स बांटे, यानी कि खिलौने कैंडीज और चॉकलेट्स, जिससे सब काफ़ी खुश हो जाएं। और वो वहाँ मौजूद सभी एल्फ से कहता है कि वो ये सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना दें, जिसे वह सभी बच्चों में बांटकर खुशियां फैला सके। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग खिलौने और खाने पीने की चीज़ें, यानी चॉकलेट्स और कैंडीज वगैरह बनाने लग जाते हैं, और सारा सामान बनाने के बाद उसे काफ़ी बड़े थैले में डालकर निकोलस को दे देते हैं, जिसे लेकर वो यहाँ से चला जाता है। वो थोड़ा आगे निकला ही था तभी माँ रानी आ जाती है और निकोलस की बग्घी पे अटैक कर देती है। वो अपने जादू की शक्ति से निकोलस को उल्टा लटका देती है। दरअसल रानी को इंसानों से नफरत थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी इंसान यहाँ से इतने सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर बाहर जाए। तभी दिखाते हैं रानी की नज़र निकोलस के गले में लटके हुए लॉकेट पर जाती है, जो उसकी मॉम का था। अब रानी उस लॉकेट के बारे में निकोलस से पूछती है, तो उन्हें बताता है कि ये उसकी मॉम का था। अब यहाँ में दिखाते हैं कि रानी काफ़ी जज्बाती हो जाती हैं और निकोलस को बताती हैं कि काफ़ी सालों पहले तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, और जब वो यहाँ से गईं तो काफ़ी सारे चॉकलेट्स और खिलौने लेकर गईं। साथ ही वो रानी से एक वादा भी करके गई थी कि वो उनसे मिलने आती रहा करेंगी, लेकिन आज तक वो दोबारा वापस कभी नहीं आई। इस पर निकोलस रानी को बताता है कि उसकी मॉम वापस ज़रूर आती, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उनको एक बीमारी हो गई थी जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर मौजूद वहाँ रानी समेत सारे लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अब रानी को यकीन आ गया था कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, मतलब अगर कुछ इंसान बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, इसलिए रानी उसे वो सारी चीज़ें लेकर यहाँ से जाने देती हैं। और निकोलस हिरन पर बैठता है और सारी चीज़ें लेकर उड़ जाता है और सीधा आता है राया के महल में, जहाँ राया काफ़ी उदास थे। वो राया को खुशियों की सूरत में वो सारी चीज़ें दिखाता है
जिससे राजा काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीने का मकसद यानी कि उनकी खोई हुई उम्मीद उन्हें वापस मिल गई है। जिसके बाद निकोलस और राजा उस उड़ने वाले हिरन पर बैठकर सभी बच्चों के बारी बारी घर आते हैं और उनके तकिए के नीचे वो सारी चीजें यानी चॉकलेट्स, कैंडीज, गिफ्ट्स रखकर आ जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे अगले दिन सुबह उठकर अपने पास ये खिलौने, चॉकलेट्स और कैंडीज देखेंगे और उसे देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी होगी तो बच्चों के चेहरे पर वही खुशी राजा के जीने का मकसद होगी। इसके बाद राजा निकोलस से कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करोगे, हर साल तुम्हें इसी तरह से खिलौने, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स बच्चों को खुशियों की सूरत में देने होंगे और इस काम में मैं भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा और साल का यह दिन होगा क्रिसमस, जिस पर निकोलस मान जाता है। इसके बाद निकोलस अपनी बुआ के पास जाकर उन्हें भी चॉकलेट्स देता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। जिसे उड़ता देखकर उसके डैड की बहन काफ़ी हैरान भी थी, साथ ही साथ उन्हें जादू पर यकीन भी हो गया था और उन्होंने जो बर्ताव निकोलस के साथ किया उस पर उन्हें काफ़ी पछतावा होता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। जिसे सुनकर वो तीनों बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, शुरुआत वाले जिन्हें वो बूढ़ी औरत कहानी सुना रही थी। और वो तीनों जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि नीचे का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ है और वो देखते हैं कि उनका पूरा घर क्रिसमस के पेड़ों से और लाइट से काफ़ी अच्छी तरह से सजा हुआ था, जिसे देखकर उन तीनों बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर दिखाते हैं वो बूढ़ी औरत बाहर जाकर अपनी टोपी पहनती है, तब बच्चों को उनके पहने नुकीले से कान दिखे आते हैं, जिसे देखकर बच्चों को समझ आ जाता है कि ये कोई एल्फ है। और थोड़ा आगे चलकर वो बूढ़ी औरत जादू से आसमान में पटाखे फोड़ने लगती है, जिसे देखकर समझ आ जाता है कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं वही परी थी जिसने निकोलस का साथ दिया था। और इसी सीन के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।